हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑक्सी इंक डिजिटल। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में अपना सारा डिजिटल काम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के पहले हर एक जो भी पर्सन ऑक्सी इंक में जिस भी पर्सन को ज्वाइन कराते थे उन्हें सेपरेट हर एक टास्क को समझाना पड़ता था, बताना पड़ता था कि उन वो इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद उन्हें अलग से किसी को भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपना टास्क कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और आराम से महीने का 35-40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट टास्क करके दिखाऊंगी कि कैसे आप साइट पे जाएंगे, कैसे वहाँ पे सारा वर्क कंप्लीट करेंगे। एक एक वर्क मैं आपको यहाँ कंप्लीट करके पूरा अच्छे से दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब वर्क आपका कंप्लीट हो जाए तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े कि आपका टास्क जो है वो आपने कंप्लीट किया है तो वो एक्चुअल में कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी कंफर्मेशन के लिए भी आप खुद अपने आप से इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आप सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे चेक कर सकते हैं। और वीडियो की तरफ मूव ऑन करने से पहले, यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए हिट, जिससे कोई भी अपडेट अगर ऑक्सी इंक में आता है तो उन सारे अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए और आप उससे अपडेटेड हो और आपके जो फ़ायदे की चीज़ है वो आपको पहले पता हो। और इसके साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे और भी जो लोग हैं जो ऑक्सी इंक में जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं वो भी आराम से जान सके कि कैसे इसका टास्क कंप्लीट किया जाता है और उन्हें पता हो कि कैसे सिर्फ 5 मिनट के काम से वो महीने का अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको वेबसाइट पे ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे सारा वर्क कंप्लीट करना होता है। वर्क को कंप्लीट करने के लिए आप सिर्फ एक साइट से, यानी कि oxyinc.com, सिर्फ एक इसी साइट से आप अपना सारा काम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो ऑक्सी इंक में जो होता है 3 साइट्स होते हैं जिस पे आपको काम करना होता है। एक होता है आपका आवर ओपिनियन, दूसरा होता है आपका oxyinc.in और तीसरा होता है आपका एंटूब। आवर ओपिनियन जो होता है उसमें फीडबैक, यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में आपका क्या फीडबैक, आपका ओपिनियन है वो वहाँ आपसे पूछा जाता है, उसे आपको बताना होता है, टिक करना होता है। इसके अलावा जो आपका एंटूब है वो यूट्यूब की तरह ही होता है, वहाँ पे आपको वीडियोस देख करके वहाँ पे सबमिट करना होता है। इसके बाद जो थर्ड होता है आपका oxyinc.in, इस पे आपका क्या होता है कि प्रोडक्ट्स, जितने भी ऑक्सी इंक प्रोडक्ट को सेल करती है, एडवर्टाइज करती है, वो सारी चीज़ वहाँ दिखते हैं, आपको वहाँ पे बस उसे प्रमोट करके सबमिट करना होता है। तो ये 3 तरह के साइट्स होते हैं जिस पे आपको काम करना होता है। तो आप चाहे तो सेपरेट इन तीनों को ओपन करके काम कर सकते हैं, और या फिर जो सबसे ईजी वे है, आप डायरेक्टली oxyinc.com को ओपन करिए और वहाँ पे एक साथ सारे वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाने जा रही हूँ कि आप oxyinc.com पे कैसे सारे टास्क को एक बार में कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको सेपरेट भी ओपन करके दिखा दूँगी, ताकि अगर आप वैसे करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्क करने के लिए सबसे पहले आप oxyinc.com को ओपन करिए अपने क्रोम ब्राउज़र, ओपेरा या यूसी ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसमें oxyinc.com ओपन करिए, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ।
ये मैंने oxyink.com लिख दिया है और एंटर कर दिया है, बस ये आपके सामने अभी तुरंत ओपन हो जाएगा। ये oxyink.com ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जो थ्री लाइंस दिख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, जब आपने थ्री लाइंस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, एंट्यूब, ई कॉमर्स और उसके नीचे आवर ओपिनियन। सबसे फर्स्ट में आपको ई पैनलिस्ट का ऑप्शन भी दिखेगा, तो आप उसे अभी छोड़ दीजिए। पहले मैं आपको वर्क कैसे कंप्लीट करना है ये पूरा बता देती हूँ। तो आप एंट्यूब वाले ऑप्शन पे पहले क्लिक करिए। जैसे ही आप एंट्यूब पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सामने एक पेज ओपन होने वाला है। तो ये आपके सामने एंट्यूब पे क्लिक करते ही इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पे साइड में जो एक छोटा सा दिखेगा आइकन, उस पर क्लिक करिए और फिर फेस टाइप का सर्कल में एक आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करते ही आप नीचे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है और उसके नीचे रजिस्टर का। तो यहाँ आपको लॉगिन करना है, तो आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही ये आपसे एंटर यूज़र नेम एंटर पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डाल करके और पासवर्ड लॉगिन कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ आईडी पासवर्ड दोनों ही डाल दिया है। अब मैं साइन इन पर क्लिक कर रही हूँ। साइन इन पर क्लिक करते ही मुझे एक एरर मिला जिस पे लिखा हुआ है फिल द कैप्चा। तो यहाँ आपको आई एम नॉट अ रोबोट इस पे ज़रूर क्लिक करना है आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद। जब तक आप ये नहीं क्लिक करेंगे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी आप आपके सामने देख सकते हैं वीडियो में ये एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक लग चुका है। अब आप साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। साइन इन पर क्लिक करके बस थोड़ा सा वेट करिए, एक सेकंड के लिए आपका जो वर्क है, जो टास्क है वो आपको दिखने लगेगा। मैं आपको अभी बता रही हूँ। देख सकते हैं वेल डन, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली एज ई पैनलिस्ट यूज़र, आपके सामने लिख कर आ रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुली आपका हो चुका है। अब जो ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करिए। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद सर्कल में आपको एक आइकन दिखेगा फेस टाइप। यहाँ जो फेस आइकन है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे लिख कर के आएगा माय प्रोफाइल माय VWS, नीचे माय VW स्टेटमेंट, और भी नीचे ऑप्शंस है। तो आपको इन सब में से सिर्फ माय VWS पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप मैंने आपके सामने क्लिक कर दिया है और पेज आपके सामने ओपन होके आ रहा है। देख सकते हैं पेज ओपन हो गया है, आ गया है लिख करके वेलकम टू ई पैनलिस्ट डिजिटल VWS। अब आपको क्या करना है, साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में तीन लाइन दिए हुए हैं इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे पैनल सब पैनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और एकदम लास्ट में आपको लॉगआउट का ऑप्शन दिखेगा। तो आपका अगर सिर्फ पैनल है तो आप पैनल पे क्लिक करके उसमें जो 5 प्रोडक्ट दिए हुए हैं उसका टास्क कंप्लीट करके आपको कंप्लीट करके हट जाना है। लेकिन यदि आपका सब पैनल 1, 2, 3, 4 ऐसा भी है तो आप सारे टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि कैसे काम कंप्लीट करना है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सारा काम कंप्लीट करिएगा। तो मैं यहाँ पैनल ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। देख सकते हैं पैनल पर क्लिक करने के बाद नीचे 5 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। इमेज अभी आपको ना दिख रहा हो सकता है लेकिन नाम लिख के आ रहा है। अब देखिए इमेज भी आपके सामने ओपन हो गया है। इस तरह के ये 5 वीडियोस ओपन हुए हैं जिन्हें आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे आपको पहले इस पे प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इस तरीके से, और क्लिक करने के बाद आप इसे प्ले कर दीजिए। 30 सेकेंड का वीडियो होता है, बहुत ही इजीली आराम से ये फटाफट से कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के लिए आपको डबल टैप करना होता है राइट हैंड साइड में इस तरीके से। देख सकते हैं आप वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है और नीचे आपके पास कैप्शन कोड आ चुका है। तो बस इस कैप्शन कोड को आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे नीचे लिखकर आ जाएगा योर शेयरिंग ऑलरेडी डन। बस इसी तरीके से आपको सारा कंप्लीट करना है। मैं आपको 2-4 और भी करके दिखा देती हूँ। ये सारे वर्क कंप्लीट करने में सिर्फ हार्डली 5 मिनट लगते हैं। एंड ट्यूब और ओपिनियन और ये सारे के सारे वर्क, बस आपको ये बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप इसको बहुत ही आराम से 5 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। ये भी सबमिट करने का टाइम आ गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ कैप्शन कोड है, बस इसे सबमिट कर दीजिए। ये भी नीचे लिख कर आ गया है योर शेयरिंग ऑलरेडी डन। तीसरा भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। कैप्शन कोड है, यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इसमें भी आ गया लिख करके योर शेयरिंग डन। ये भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप डायरेक्टली पकड़ इसको पकड़ करके स्क्रॉल भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं 10-10 सेकंड के लिए, या आप चाहें तो 30 सेकंड का पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। इसका भी कैप्चर कोड आ गया, इसे सबमिट कर देना है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एंटीट्यूब का वर्क कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे मेरा सिर्फ पैनल था, तो मैंने इसमें जो 5 प्रोडक्ट थे उसके सारे वर्क कंप्लीट कर दिए हैं। बस आपको वीडियो को ओपन करना है, नीचे जैसे ही कैप्शन कोड आता है प्ले करने के बाद आपको बस उसे सबमिट करना है और आपका एंटीट्यूब का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी आपके पैनल सब पैनल है उसके वर्क को आप इसी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ कि कैसे आपको दूसरा वर्क यानी कि आवर ओपिनियन का वर्क कंप्लीट करना है। आवर ओपिनियन का वर्क करने के लिए अगर एंटीट्यूब का जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है काम, आप यहाँ से इसको लॉग आउट कर जाइए। तो 3 लाइंस पे क्लिक करिए, एकदम लास्ट में आप देख सकते हैं लॉग आउट का ऑप्शन है, वो क्लिक कर दीजिए। लॉग आउट करते ही आप एंटीट्यूब से बाहर आ जाएंगे। अब आप वापस से oxyink.com पे चले जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो है ई कॉमर्स का, यानी कि oxyink.in। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट शेयरिंग का जो वर्क है वो मैं आपको दिखला देती हूँ। तो ई कॉमर्स ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं oxyink.in ओपन हो रहा है। देख सकते हैं आप oxyink.in का पेज जो है वो ओपन होके आ गया है। अब सर्कल में फेस दिख रहा है जैसे आपको एंटीट्यूब में दिख रहा था, यहाँ पे उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फेस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है। देख सकते हैं पेज ओपन हो गया है आपके सामने और यहाँ पे ये आपसे आईडी पासवर्ड मांग रहा है लॉगिन के लिए। तो बस आप यहाँ अपना आईडी पासवर्ड लिख के साइन इन कर लीजिए। मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी है तो मुझे वो एंटर नहीं करना है, मैं डायरेक्टली साइन इन कर रही हूँ। आप पहले अपना आईडी पासवर्ड लिखिए और उसके बाद साइन इन कर लीजिए। तो साइन इन पे मैंने क्लिक कर दिया। साइन इन पर क्लिक करते ही कॉन्ग्रेचुलेशंस लॉग्ड इन सक्सेसफुली लिख करके आ गया है। अब आपको क्या करना है, वापस से उस फेस वाले आइकन पर क्लिक करना है और नीचे देखेंगे आप माय प्रोफाइल ऑर्डर्स लिमिटेड ऑफर्स के नीचे आपको माय डिजिटल दिखेगा, बस उस पर आप क्लिक कर दीजिए। माय डिजिटल पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। देख सकते हैं इस पेज पे आपका नाम, जो भी आपका यूज़र आईडी है वो लिख कर आएगा और नीचे लिख कर आएगा डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। तो आपको बस उसके नीचे पैनल और सब पैनल दिए हुए हैं, तो आपके जितने भी वर्क हैं आप यहाँ पर 1 by 1 उसे कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप अपना सारा वर्क कंप्लीट करिएगा। यह मैंने पैनल पे क्लिक कर दिया है। oxyink.in या ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपको 10 प्रोडक्ट एक पैनल में मिलता है। आपके अगर एक पैनल है और 9 सब पैनल है तो सब में आपको 10-10 प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें जिसका आपको काम कंप्लीट करना होता है। एंटीट्यूब में 5-5 होते हैं और ई कॉमर्स या oxyink.in में आपको 10-10 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आपको दिखा रही हूँ, ये है प्रोडक्ट्स। इसमें जो हो चुका है ऑलरेडी मैं वो आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको फ्रेश करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जैसी इमेज आपके सामने ये प्रोडक्ट दिख रहा है, इस प्रोडक्ट में नीचे प्रमोट ऑप्शन जो दिया है उस पर क्लिक करिए।
प्रमोट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कैप्शन कोड आ जाएगा। ऊपर नोट भी दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ कैप्शन कोड वी विल ट्रैक यू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड इफ यू नॉट शेयर लिंक देन मे बी वी रिड्यूस यू वॉलेट अमाउंट। तो ये आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि आप अगर ये कैप्शन कोड जो है ये सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो वॉलेट अमाउंट है उसको कम कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप प्रमोट पे क्लिक करने के बाद ये जो कैप्शन कोड है इसे ज़रूर सबमिट करें। तो यहाँ मैं आपको कैप्शन कोड सबमिट करके दिखा रही हूँ। ये मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लिख के आ गया है योर शेयरिंग ऑलरेडी डन। मैं आपको दो तीन और करके दिखा देती हूँ। बस यहाँ आए, कैप्शन कोड आया, सबमिट किया और काम डन। बहुत ही इजी टास्क हो गया है, पहले बहुत टफ था। सबसे पहले आपको इसको शेयर करना पड़ता था दो तीन साइट्स पे, उसके बाद थोड़ा अपडेट होके आया था, आपको रेटिंग करना था। अब ये अपडेट होकर आया है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैप्शन कोड सबमिट करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है। आप अगर ऑक्सी इंक से स्टार्टिंग से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि पहले इसे टास्क को करना कितना टफ होता था, लेकिन अब उसके कंपैरिजन में कितना इजी हो चुका है। प्रमोट ऑप्शन पे क्लिक किया, सबमिट किया। प्रमोट ऑप्शन पे क्लिक किया, सबमिट किया। प्रमोट पे क्लिक किया, सबमिट किया। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको ई कॉमर्स का काम। यदि आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो आपकी, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अब ये आप समझ गए होंगे कि कैसे कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी टास्क है, आप इसे इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब चलिए मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि कैसे आपको लास्ट आवर ओपिनियन का वर्क जो कि फीडबैक का होता है उसे कैसे कंप्लीट करना है। तो अब आप यहाँ से पहले लॉग आउट कर लीजिए, जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो जाए आप वहाँ से लॉग आउट होते जाइएगा और उसके बाद आप दूसरे ऑप्शन पे जाइए। तो यहाँ पे मैं लॉग आउट कर लेती हूँ। आपको क्या करना है, अपने नाम पर या आपका जो यूज़र आईडी है ऊपर जो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिए। नीचे आपके पास ऑप्शंस खुल के आएंगे, नोटिफिकेशंस के जस्ट नीचे आपको लॉगआउट का ऑप्शन दिखेगा, बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से हम लॉगआउट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको आवर ओपिनियन करना है। तो इसके लिए आप फटाफट से वापस से oxyinc.com में चले जाइए। तो वापस से मैं यहाँ पे oxyinc.com पे आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप आवर ओपिनियन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आवर ओपिनियन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ रहा है। तो ये ओवर ओपिनियन का पेज जो है ये आपके सामने ओपन हो गया है। अब जो थ्री लाइंस दिए हुए हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद साइट नेविगेशन खुल के आ रहा है, इसके नीचे आप जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ये एकदम नीचे कॉन्टैक्ट के नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए।
जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपसे यूज़र नेम या ईमेल आईडी और नीचे आपका पासवर्ड मांगेगा। और नीचे उसके भी जब आप ये फिल कर लेते हैं तो आई एम नॉट अ रोबोट इस पर आपको टिक करना मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पे फटाफट से अपना आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए। तो मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब इसके नीचे आई एम नॉट अ रोबोट पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके सामने एक पिक्चर आएगा जिस पे आपको ट्रैफिक लाइट्स को क्लिक करना है। ट्रैफिक लाइट ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही नीचे आपको सबमिट बटन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ रहा है। इस तरह से आपको आवर ओपिनियन का पूरा एक पेज ओपन होकर दिखेगा। तो यहाँ पे भी आप जब जाएंगे तो नीचे यहाँ पे ऊपर आपको आपकी आईडी, उसके नीचे आपको माय ऑर्डर्स, उसके नीचे अकाउंट सेटिंग, उसके नीचे आपको फीडबैक प्रोग्राम मिलेगा। तो फीडबैक प्रोग्राम के नीचे आप देखेंगे तो आपको पैनल और अगर आपके सब पैनल्स भी हैं तो वो दिखेंगे। यहाँ पे मेरे केवल पैनल हैं तो मुझे पैनल दिख रहा है। मैं आपको इसका वर्क कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपको अपना सारा टास्क कंप्लीट करना है। तो पैनल पे हमने क्लिक किया। पैनल पे क्लिक करते ही नीचे आप देख सकते हैं फीडबैक 1, 2, 3 ऐसा करके आपके सामने दिखेगा। फीडबैक में भी 5 फीडबैक होते हैं एक पैनल में, तो आपको पांचों का काम जो होता है वो कंप्लीट करना होता है और 1 by 1 आपको पांचों फीडबैक को ओपन करना होता है और उसमें जो जो चीज़ें पूछता है आप उसे रीड करके उस पर टिक करके अपना फीडबैक दे करके सबमिट करना होता है कैप्शन कोड के साथ। दिखा रही हूँ मैं आपको वीडियो में, आप सेम वैसे ही करिए। ये 5 फीडबैक हो गए। अब इसमें मैंने फीडबैक 1 पे क्लिक किया। नीचे आप देख सकते हैं आपके पास पूरे नीचे 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इन 10 क्वेश्चंस को आपको रीड करके फटाफट से आंसर करना है। देख सकते हैं नीचे कैप्शन कोड दिया हुआ है, ये आपको खुद लिखना होगा। सेवन वन जीरो सिक्स वन नाइन थ्री नाइन कैप्शन कोड मैंने डाल दिया है। अब मैं सबमिट कर रही हूँ। देख सकते हैं आप सबमिट करते ही फीडबैक कंप्लीटेड ऐसा लिखकर आ जाएगा। जैसे ही ये लिखकर आ जाए समझ लीजिए आपका ये काम हो गया। अब वैसे ही आपको मैं दूसरा तीसरा भी करके दिखा रही हूँ। इसमें जो एज है, इनकम है, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा जो आपका हो। टू थ्री सेवन टू ट्रिपल नाइन
कैप्शन कोड सबमिट कर दिया है मैंने। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो आवर ओपिनियन का टास्क है उसे आपको कैसे कंप्लीट करना है और आपको कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि तीन टास्क करने होते हैं, आवर ओपिनियन, एंट्यूब और ई कॉमर्स, और तीनों ही मैंने आपको करके इसमें दिखा भी दिया है। आपको भी इसी तरह से आपका सारा टास्क कंप्लीट करना है। एक दो मैं और आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। कैप्शन कोड ज़रूर सबमिट करिएगा। अगर आपने कैप्शन कोड कहीं भी छोड़ा तो आपका अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है, उसके लिए फिर कंपनी बिल्कुल लाइबल नहीं होगी। तो ये आप ज़रूर जिम्मेदारी के साथ अपना टास्क कंप्लीट करिएगा। बहुत इजी टास्क है, फटाफट से हो जाता है, तो आप बस ध्यान से करिएगा और ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कैप्शन कोड सबमिट हो। देख सकते हैं इसी तरह मैंने लास्ट के भी सारे जो काम हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी इसी तरह अपना सारा काम कंप्लीट करिए। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता पा रही हूँ कि कैसे आप अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो और मैं आगे आपको जो इसके बारे में बताना है कि कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं और आप कैसे सेपरेट सेपरेट जो सारे साइट से उसे ओपन करके कैसे काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये टास्क देख सकते हैं आप, यहाँ पे पांचों फीडबैक कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपको लॉग आउट कर लेना है जितना भी आपका काम है वो कंप्लीट करने के बाद, और आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के फटाफट से अपना काम कंप्लीट करके महीने के 40-45 हज़ार कमा सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, आराम से बस आप अपने मोबाइल से ही सारा डिजिटल वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपना सारा काम करिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।